तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हमारा प्लान तो आज निकलने का था बट हम निकल नहीं पाए हैं कि एक दिन मम्मी पापा ने कहा कि और रुक जाओ यहाँ पे, और पापा लेने गए रामू की पूड़ियाँ। रामू की पूड़ियाँ यहाँ पे इतनी फेमस हैं, पता नहीं आप इतना खुश रहा है यहाँ पे। इसकी सबसे दोस्ती हो गई है पापा से, मम्मी से। पापा इसको नहला रहे थे जबकि पापा इतने डरते हैं डॉग से, डरते थे अब नहीं डरते, बड़े बेसिकली इससे नहीं डरते क्योंकि है इतना प्यारा। तो मेन बेसिकली अगर आप भी डॉग ले रहे हो तो यू शुड हैव हस्की काइंड ऑफ अ डॉग विच शुड बी फ्रेंडली। ये नहीं तो अब हम रामू की पूड़ियों का रिव्यू करेंगे 125 या 15 खा के आपको बताते हैं कैसी पूड़ियाँ हैं रामू की, और दिखाते हैं क्या इतनी इतनी पूड़ियाँ होती, ज़्यादा बड़ी 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 पूड़ियाँ नहीं है यहाँ पे, बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस पूड़ी है यहाँ। डा देखो बैठ गया, पापा ही खा रहे हैं। देखो ये होती हैं बेसिकली पूड़ियाँ, इतनी सी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये है मेरे फिंगर के साइज़ की, हाँ मेरी फिंगर से थोड़ी सी बड़ी है, देखो मेरी फिंगर से थोड़ी सी बड़ी। डाब अपने खाने की वेट कर रहा है। ये देखो ये इसके होते हैं छोले, और तो कुछ मिलता है इसके साथ, इसके अंदर ही दही वहीं डाल के दे देते हैं वो। तो ये दो बेसिकली सामान मिलते हैं, 15-20 रुपए की पूड़ियाँ होती हैं। तो लोग पहले एक ऑर्डर करते हैं फिर दो ऑर्डर करते हैं, खाते रहते हैं बहुत सारी पूड़ियाँ खाए आते हैं, खड़े खड़े 300-400 पूड़ियाँ इसकी बिक जाती हैं। गौरव जी आ गए ने यार, की क्या वाला है कुंडल ना आटा भी आ गया। ग्रीटिंग करना है जब भी बाहर आए। हां देख गौरव मुझे दम मिल रहा है, देख एक कैसे किससे मिलता प्यार से। हां भी डैब सब तो प्यार तो ज्यादा ही नहीं आंदा, गौरव ना बहुत प्यार है ना। तुम्हारी चाय वगैरह आ चुकी है। हां जी पिंकू जी टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा है पूरी। मैंने ऑलरेडी टेस्ट की हुई है। कब? पहले जब मैं आई थी। ओए डैब भाई स्वाद है, बहुत टेस्टी है। ये मैं सेकंड टाइम खा रही हूं, मैं पहले भी यहां आई थी। अच्छा तब भी मैंने खाई थी। अच्छा बहुत टेस्टी है। हम तो स्पेशल कैंट में खाने जाते होते थे, वहां पे दो चीजें मशहूर हैं कि ये और एक जीरा लेमन कैंट के अंदर फिरोजपुर, और फिरोजपुर सिटी में तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। तो जी अब हम आ गए हैं कुलचे छोले लेने चुई चौक में, यहाँ के फिरोजपुर के बहुत ज़्यादा मशहूर कुलचे छोले हैं। एक टाइम पे यहाँ पे लाइनें लगा करती थी, तो अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे रश रहता है। यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ के नहीं ट्राई करें तो फिर क्या ट्राई करें, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए हम जाके घर पर ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम दो पैक करा रहे हैं, देखो कितने सारे लोग खा रहे हैं। स्वाद दे जी, हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया देख रहे हो। तो अब हम पैक करा लेते हैं भाई, दो पैक कर देना, दो प्लेट पैक कर देना। छोले छोले तो दे कुछ बाप। हाँ जी दे 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 जल्दी दे। अरे तो जो नमक मिर्च है वो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो, किसी को ज़्यादा मिर्च खानी पसंद है, किसी को कम मिर्च खानी पसंद है। तो इसमें छोले होते हैं बेसिकली, इसको भी बोया जाता है। दिल्ली में आपने जो खाए होंगे वो छोले अलग होते हैं और कुलचे अलग होते हैं, उसके साथ प्याज टमाटर अलग से दिए जाते हैं। यहाँ पे सब मिक्स होता है उसको फिर खाया जाता है। ये अलग तरह के थोड़े छोले कुलचे हैं, यहाँ पे काफ़ी फेमस है। अगर आप आओगे सबसे किसी भी को भी शहर में पूछ सकते हो, चुई चौक में छोले कुलचे जो मिलते हैं वो आपको आसानी से बता देगा। ये हमारे जो दो प्लेट हमने कराए हैं वो पैक हो रहे हैं। आए थे चुई चौक में, तो चुई चौक में ही मेरे स्कूल फ्रेंड की दुकान है, तो एक को एक फ्रेंड है हमारा फिरोजपुर में, मैंने कहा उससे मिल ही लेते हैं। तो ये है जी हमारे फ्रेंड, इनकी ये शॉप है, तो यहाँ पे हम इन्हें मिलने आए। बहुत वधिया लगे यार मिलके, कल आए हो? हाँ
भाई जैसे मैंने आपको पिज्जे कुलचे छोले वाले दिखाए थे, ये होते हैं जी सूखे कुलचे छोले। ये शायद आपने, वैसे तो मुझे लगता नहीं दिल्ली में एक आधी जगह मिलते हो तो मिलते हो, बट ये बड़े डिफरेंट तरीके के कुलचे होते हैं। इनमें छोले अंदर भरे जाते हैं और हम जो लिखवाने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल पनीर कुलचा हमने जो ऑर्डर करे हैं वो हमने करे हैं पनीर वाले, जिसमें ज़्यादातर पनीर डलता है। पनीर केचप सब मिक्स करने के बाद उसका जो टेस्ट निकल के आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। पहले इसमें डाला जी बटर, उसके बाद टमाटर, प्याज, अब हरी मिर्चें। ये देखो अब जाएगा ये बढ़िया बढ़िया पनीर। और जो ये सारा सामान अभी बनाया है इसको भर देते हैं कुलचे के अंदर और फिर हमारा कुलचा हो जाता है तैयार। उसके ऊपर केचप लगा के खाओ और मज़े नज़ारेदार, मैं कहा जी बहुत ही नज़ारेदार बन जाता पनीर का कुलचा। ठीक है जी, आप भी अगर आओ तो फिरोजपुर में ट्राई कर सकते हो, पर पुंजे की दुकान पूछ लेना, उसके बिल्कुल सामने ही है। देवी देहरा मंदिर है, उसके सामने पर पुंजे की दुकान है, बीचों बीच आपको ये भाई साहब मिल जाएंगे। वहाँ पे आप आराम से खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो अपने कुछ छोले। तो आपको मैंने काफ़ी जगह दिखा दी फिरोजपुर की प्यारी प्यारी, जिसमें आपको खाने के लिए लाजवाब चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहीं पे मिलता है असली खाने का स्वाद। तो जो पहले हम विजय कुलचे छोले लाए हैं वो थे जी 30 रुपए के। ठीक है, 30 रुपए का एक, 60 रुपए के दो, तो सस्ते देखो। और बंदे खा सकते हैं उसमें कम से कम दो कुलचे छोलों को, 4। ठीक है, और ये जो है ये तो एक बंदा ही, क्योंकि स्वाद इतने होते हैं तो ये तो एक बंदा छोड़ता ही नहीं है। देखो ये मैं इसको वैसे ही लेके आया था, पहले इसका मूड नहीं था, अब ये कह रहा मैं पूरा खाऊंगा। तो जी देखो जो छोले कुलचे हम लाए थे वो सारे कितने ही शौक से खाते हैं। देखो मैंने आपको बता रहा कितने मशहूर है ये छोले कुलचे, स्वाद है। हाँ, ये कई सालों से चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार खा रहे हैं, कई सालों से ये फेवरेट चलते आ रहे हैं। तो सोच सकते हो आप चीज़ कितनी बेहतरीन होगी। आपको मैंने पूरा बनाते हुए भी दिखाया, 30-30 रुपए के कुलचे हैं, तो सूखे कुलचे थे वो कुछ इस तरह से हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो कुलचे छोले खाते नहीं, तो हम उनको बर्गर की शेप में ये छोले कुलचे खिला देते हैं, क्योंकि बर्गर में कुछ डाला नहीं होता, इसके अंदर काफ़ी सामान डाला होता है, आलू छोले और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हेल्दी चीज़ें डाली होती हैं। देखिए